वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 6 दिसंबर का दिन, यानी कि ये वही तारीख है जो सिर्फ यूपी नहीं बल्कि पूरे देश के हिंदुओं और कृष्ण भक्तों के लिए बहुत बड़ा साबित होने वाला है। जी हाँ, मथुरा में 6 दिसंबर को विवादित ढांचा, जिसे शाही मस्जिद बोला जाता है, उसमें कृष्ण मूर्ति स्थापित होने की घोषणा की गई है। ये खबर जितनी अच्छी है, इससे परेशानी का सबब, और वो भी आम जनता और पूरे प्रशासन के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि इसी 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का ढांचा भी ध्वस्त किया गया था। और इसी दिन अब कुछ आतंकी या फिर अराजक तत्वों ने मथुरा और आगरा में यूपी के कई जिलों में बड़े धमाके करने की धमकी भी दी है, जिसे लेकर शहर की सुरक्षा को सुपर जोन और 4 जोन और साथ ही 8 सेक्टरों में बांटा गया है। 3-4 दिसंबर को, यहां पर 6 दिसंबर तक आपको बता दें कि करीब 2100 पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया जाएगा और सारी कमान उनके हाथों में होगी। शहर का माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने जवान यहाँ पे तैनात होंगे सुरक्षा के लिए, तो आपको बता दें कि सुरक्षा प्रबंध में 4 ASP और साथ ही 10 CO और 40 इंस्पेक्टर, 230 दरोगा, सिपाही 1000 और पहला मिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। दरअसल मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटी हुई यह शाही मस्जिद, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, और ऐसे में इसी मस्जिद में मूर्ति स्थापित किए जाने की घोषणा एक संगठन की तरफ से की गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को शाही मस्जिद में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करने का ऐलान किया था। संगठन ने 6 दिसंबर को शाही मस्जिद ईदगाह में भगवान कृष्ण के जल अभिषेक और पूजा की भी घोषणा की थी, हालांकि प्रशासन ने इसकी जानकारी और इसकी इजाजत नहीं दी। 29 नवंबर को भी नारायणी सेना ने भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले को लेकर शाही ईदगाह पर संकल्प यात्रा की घोषणा की थी। ये संकल्प यात्रा यमुना के विश्राम घाट से श्री कृष्ण जन्म स्थान तक जानी थी। पुलिस ने इस संकल्प यात्रा को रोकने के लिए और इसे गंभीरता से लेते हुए 28 नवंबर को एक होटल से लखनऊ से नारायणी सेना के कोषाध्यक्ष, प्रदेश सचिव समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल से भी 6 दिसंबर को काशी मथुरा संकल्प यात्रा का आह्वान किया गया है। हालांकि संगठन ने मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने की योजना से नकारा किया है और ऐसे में किनारा कर लिया है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही मस्जिद को लेकर मामला अभी भी अदालत में है, क्योंकि इसकी जमीन पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था और इसे लेकर अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन 6 दिसंबर वाली अफवाह और साथ ही मथुरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश को लेकर यहां तनाव का माहौल बना हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर सोशल मीडिया तक प्रशासन की नजर बनी हुई है और माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त चेतावनी दे दी गई है। अब देखना होगा कि यह मूर्ति स्थापित करने वाली बात सही साबित होती भी है या फिर बस एक अफवाह बनकर रह जाती है। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और क्या आपके हिसाब से वहां पर मूर्ति को स्थापित किया जाना चाहिए, इसका जवाब भी हमें जरूर बताइएगा। और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।